हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। 25 जनवरी है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है आरआरबी एनटीपीसी। बात करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, कितने अटेम्प्ट किए आप लोगों ने? अच्छा था, 87, मैंने 80, 76, 73, 72। अच्छा, क्या क्वेश्चन थे करंट की अगर बात करें तो 2020 से क्या क्वेश्चन? जी, एक क्वेश्चन आया था काली 5000 जो नामक जो है गुप्त हथियार है वो किस किस संस्थान ने मिलकर बनाया है। अच्छा, बाकी 2019 के थे कुछ क्वेश्चन। 2019 के दो करंट अफेयर। हाँ, क्या 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 थे वो? एक वही था मैन बुकर पुरस्कार 2019 का किस बुक पर दिया गया, मतलब कौन सा बुक का नाम? का नाम पूछा जी। 2019 के आए थे तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा था और भारत रत्न पूछा था 2019 का। 2019 का भारत रत्न 2019 में किसे मिला? तो उनमें ऑप्शन होगा क्योंकि कई लोगों को मिला था 2019 में। हाँ, तो उसमें तो नाना जी देशमुख दिया हुआ था। अच्छा, एक ऑप्शन सही नाना जी देशमुख था उसमें जी। संविधान से एक क्वेश्चन, संविधान भाइयों के लिए कौन सा अनुच्छेद यूज किया है? हाँ, भाइयों के लिए कौन सा अनुच्छेद यूज होता है जी? आर्टिकल, आर्टिकल आर्टिकल मानवाधिकार के अध्यक्ष, मानवाधिकार के, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है इस वक्त? अध्यक्ष, मानवाधिकार के, उनको अध्यक्ष किसे सिलेक्ट किया जाता है, उनको कौन चयन किया हो सकता है? नहीं, कैसे चयन किया जाता है या किसे चयन किया जाता है कुछ ऐसा? कौन हो सकता है उन्हें औसत प्रधानमंत्री या CGI ऑफिसर जो होते हैं उनको किया जा सकता है, या लोकसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं? अच्छा, इट इज मेबी, या जजेज हो सकते हैं? यस जी जी, यस रिटायर्ड। ओके ओके, और क्या रहा, कुछ और बताएंगे? रीजनिंग तो बढ़िया था। हाँ, रीजनिंग पे भी बात करते हैं। अच्छा, रीजनिंग पे भी बात करते हैं। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से बहुत टफ था। टफ था क्वेश्चन, क्या था हिस्ट्री वाले जैसा? समुद्रगुप्त वो कौन सा था? हाँ, चंद्रगुप्त के बाद किसका वो शासक था? फिर से बोलिए क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के बाद किसका शासक था? कौन सा, किसने शासन किया चंद्रगुप्त के बाद? कौन शासक किया था चंद्रगुप्त के बाद जी? किसने शासक किया था? बायो से कोई क्वेश्चन? बायो से दो तीन क्वेश्चन थे। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में किससे प्रोटीन, किससे लेता है माँ के गर्भ में अपना बच्चा भोजन, मतलब किससे लेता है? उसके भोजन प्राप्त होता है जी। हाँ, गर्भ में बच्चे को किस प्रकार से भोजन प्राप्त होता है? केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, मतलब एक केमिकल का नियम पूछा था। हाँ, वो नीला थोथा का, नीला थोथा का केमिकल नेम क्या है? कॉपर सल्फेट होता ना भाई? हाँ भाई, CuSO4। हाँ, फिजिक्स से नहीं, किससे? फिजिक्स से नहीं था जी। होगा, भूकंप को नापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? भूकंप के नापने के लिए सिस्मोमीटर। अच्छा, इसके बारे में पूछा। अच्छा, कल्चर से कोई क्वेश्चन, कहीं त्योहार वगैरह? हाँ, एक था वो कौन सा, अरे कौन सा राज्य में मनाया जाता है, एक सेकंड बता रहे हैं नाम। कोई त्योहार था ना? हाँ, एक फेस्टिवल आया था। अच्छा, एक फेस्टिवल आया था, नाम नहीं याद आ रहा। जनजात के बारे में भी शायद एक पूछा था, जनजाति के बारे में भी पूछा है। हाँ, एक कुछ जनजात के बारे में। अच्छा, उस पर ऑप्शन में राज्य थे कि ये क्या क्या क्वेश्चन कुछ था? कुछ था सर, मतलब याद नहीं आ रहा है। एक मतलब प्रधानमंत्री के कोई रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड में कौन कौन सी योजना चलाई गई उसमें से एक नहीं है, कौन सा ऑप्शन में आया था? इनमें से कौन सा नहीं है? इस तरीके का ऑप्शन आया था, जैसे प्रधानमंत्री आयुष योजना, गरीब कल्याण योजना, ऐसे करके था सर। इस प्रकार से कौन सा योजना भारत में नहीं चलाया गया, इस प्रकार से योजना आया था? यूनाइटेड नेशन, एक यूनाइटेड, हाँ यूएन से एक था, क्वेश्चन आया था, कौन सा था वो? रेगुलर यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी अगर एग्जाम देना है वो अगर यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन पूरे सिस्टम को समझ जाएं तो एक दो क्वेश्चन तो आसानी से दे सकते हैं। जो मेरे पहले प्रीवियस दोस्त ने दिया उन्होंने बताया था यूनाइटेड किंगडम अगर पढ़ लेंगे एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो एकदम आंसर होना ही है। कोई जलवायु से, एनवायरमेंट वगैरह से? नहीं, एनवायरमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। पहाड़ पर्वत वगैरह वगैरह पे जी नहीं, साइंस, हाँ हिमालय वाले एनवायरमेंट के पर क्वेश्चन नहीं था कोई। अच्छा, माइंड ब्लॉक हो गया। हाँ, ये होता है, माइंड ब्लॉक तो हो जाता है। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन? कंप्यूटर से तो क्वेश्चन थे, क्या थे वो? भी फुल फॉर्म थे, तब फुल फॉर्म पूछा था। किसका फुल फॉर्म पूछा था, ध्यान में है क्या? कंप्यूटर से तीन क्वेश्चन थे, एक था मतलब वोलेटाइल मेमोरी कि इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, और दूसरा था कि फिर उसी को आगे वो करके बता दिया था कि वोलेटाइल मेमोरी की यूजेस क्या हैं, मतलब अगर इनमें से कौन सा ऐसा वो है जो मतलब बिजली रहने पर मतलब
मेमोरी को सेव करे, ऐसा था क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग इस बहुत इजी था, क्वेश्चन बताएंगे जैसे सीरीज के थे, पासे का एक था, दिशा दूरी का दो था, क्वेश्चन आया था डाइस का, एक क्वेश्चन आया क्या क्वेश्चन क्या था उसकी लाइनिंग क्या था? जैसे फाइव का विपरीत पूछा था, पांच का विपरीत क्या है, ऐसे ही था पांच का विपरीत। अच्छा वो पिक्चर होगा ना? हां पिक्चर था वो, आकृति में ट्रायंगल टाइप का, ट्रायंगल टाइप का, 3D टाइप का। फाइव के अपोजिट क्या होंगे? अच्छा कथन निष्कर्ष कुछ याद है, ध्यान है क्या था? यही था कि सारे पशु चूहे हैं, और फिर था कोई पशु याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, हाँ ए बी सी डी और एस तक दिया हुआ था, और अगर ये मतलब उसमें बैठे हुए हैं सर्किल में बैठे हुए हैं एक मेज पर, तो इसमें अगर ए के दाहिने मतलब दूसरा बी बैठा हुआ है तो उसके बीच में कौन सा है, एक ही क्वेश्चन था। मतलब जैसे बेसिकली क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा दे देगा और उससे चार पांच क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन था, वैसे बहुत आसान था। सारे चूहे पस वाला सारे था कि सारे पस चूहे हैं और कोई चूहा भूरा नहीं है सर, ये क्वेश्चन था सर। पासे से एक क्वेश्चन आया था जिसमें तीन पासे बने हुए थे, और उसके पीछे नॉर्मली अगर तीनों पासों को देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि कौन सा नहीं है। एक लीला की आयु उसकी एक्स मान लो कुछ है, उसके पिता की उससे चार गुनी है, जब वो उस समय पहले पहले होती है, फिर उसके पिता की तत्कालीन उसके पिता की आयु 6 वर्ष हो जाती है, इस टाइप के रिलेटेड। हाँ उसके वर्तमान आयु की 6 गुने हो जाती है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री एकदम नहीं था ना, एडवांस था लेकिन मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आए थे बस, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एलजेब्रा भी नहीं था, एलजेब्रा था सर, एलजेब्रा एक था, एक पूछा था ए बराबर एक्स प्लस वाई और बी बराबर एक्स माइनस वाई, एक फार्मूले पे बेस पे था, एक फार्मूले बेस पे बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सारे मान दिए थे, बस फार्मूला याद हो तो इजी हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर करके फार्मूला था उस पे, उसी बेस पे था वो। परसेंटेज के ऊपर ज्यादा थे कि 5 घंटा 26 मिनट को कैसे लिखा जाएगा कि मिनट घंटा और सेकंड में, मिनट घंटे और सेकंड में, सेकंड में कैसे लिखा जाएगा, क्या 5.26 दिया था उसमें, और उसके बाद पूछा था कि मिनट घंटा सेकंड में कैसे लिखा जाएगा। और क्या रहा मैथ्स, मैथ्स में कुछ अलजेब्रा से कुछ नहीं आया, कुछ बताया भी लोगों ने, एक क्वेश्चन था, क्या था? बस वही नॉर्मली था, मतलब फार्मूला बेस्ड था, हाइट एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन क्या थे वो, 40 मीटर अगर ऊंची मीनार है तो, और एक 40 था एक 20 था, तो मतलब 40 था एक और एक 50 था, तो उसमें दिया हुआ था जो 40 का वो बनता है 10 पे बनता है तो 50 का कितने उस पे बनेगा, तो मतलब 12 जो वो आ रहा था। माधिका के क्वेश्चन, जी सर माधिका के दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे, क्या थे वो क्वेश्चन? सर जैसे दिया था कि 10 20 30 40 50 60 करके दिया था, उसमें माधिका निकालना था, अगर 30 को 120 से बदल दिया जाए तो माधिका क्या होगी? दोनों का अंतर, दोनों माधिकाओं का अंतर, अच्छा कि अगर जैसे 100 मतलब 20 30 40 50 और अगर 30 को हटा दिया जाए 120 कर दिया जाए तो दोनों माधिकाओं के बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना होगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आए, अगर करंट की बात करें तो 2020 के भी आ रहे हैं, 2019 के भी आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस तो ऐसा टॉपिक हो गया है कि उससे एक क्वेश्चन तो आना ही है, एक दो क्वेश्चन, तो अगर जिनको आगे एग्ज़ाम देना है तो वो यूनाइटेड नेशंस के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जरूर समझ लें, उसमें कौन इस वक्त हैं, क्या किस पोजीशन पे है, तो एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। कंप्यूटर से भी जो मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, ओके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं 2020 के 2019 के। और हाँ आपको बता दूँ चलते चलते कि 2020 का टोटल करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है पिछले एक महीने से अमेजन पे बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उसमें सबसे बेहतरीन बुक मानी जा रही है स्टूडेंट की नज़रों में। ओके तो अब सेकेंड शिफ्ट में भी मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आए, हम लोग की कोशिश रहती है कि एग्जैक्ट जो भी क्वेश्चन है वो आपको पहुँच सके। मैं हूँ सन्मय प्रकाश, आगरा में हम लोग ये कवर कर रहे हैं।